हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइस, यूट्यूब खुद आपके सब्सक्राइबर्स के पास आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं भेजता, तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली देखिए, क्योंकि बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अपनी वीडियो को अपलोड करने के बाद उनके सब्सक्राइबर्स के पास उनकी नोटिफिकेशन नहीं जाता, जिसकी वजह से वो उनकी वीडियो को देख नहीं पाते। हालांकि कुछ दिन पहले मेरे साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम होता था, मतलब मैं अपनी वीडियो को जब भी पब्लिक करता था मेरे एक भी सब्सक्राइबर्स के पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जाता था। मतलब मेरे चैनल को जितने भी लोग सब्सक्राइब किए हुए थे उनके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जाता था, जिसकी वजह से वो मेरी वीडियो को नहीं देख पाते थे और मेरी वीडियो पर व्यूज नहीं आते थे। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली देखिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप सिर्फ 2 मिनट में ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो दोस्तों, मेरे साथ भी कुछ इस तरह का हुआ है, कुछ चेंजेस करना पड़ता है, कुछ सेटिंग्स को ऑन करना पड़ता है, फिर आप जब वीडियो को अपलोड करेंगे आपके चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर्स हो, चाहे 1 सब्सक्राइबर्स हो या 1000 सब्सक्राइबर्स हो, सभी के पास YouTube आपकी नोटिफिकेशन भेज देगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइबर तक भेजने के लिए आपको कुछ चेंजेस, कुछ सेटिंग्स को ऑन करना पड़ता है। यहाँ पर आप 2 तरीके से अपने सेटिंग्स को ऑन कर सकते हैं। सबसे बेहतर होगा जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करें उसी दौरान अपनी वीडियो की सेटिंग्स जो है, उसी नोटिफिकेशन की सेटिंग्स जो है उसे ऑन कर ले, नहीं तो आपकी वीडियो एक बार पब्लिक होने के बाद आप अपनी वीडियो की नोटिफिकेशन अपने सब्सक्राइबर तक नहीं भेज सकते। सबसे बेहतर यही है जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करें उसी दौरान ही सेटिंग्स को ऑन कर ले। तो इसे करने के लिए आपको अपने फोन के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर सर्च बार में आपको सर्च करना है studio.youtube.com, studio.youtube.com आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके चैनल के जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट कॉर्नर में ऊपर की तरफ फॉर डेमो के लिए यहाँ पर हम एक वीडियो को अपलोड करते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अपलोड ए वीडियो पे क्लिक करते हैं। फिर करने के बाद यहाँ से हम फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं डेमो के लिए। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया तो ये वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को, ये तो वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। अब आप यहाँ पर अपने जो टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करके आइएगा तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा शो मोर का। आप यहाँ पर देख सकते हैं शो मोर का एक ऑप्शन है। इस शो मोर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पर आपको 2 सेटिंग्स मिलेगा। थोड़ा और नीचे चलते हैं आइएगा तो यहाँ पर आपको लाइसेंस के नीचे 2 सेटिंग्स मिलेगा। आपको ये जो 2 सेटिंग्स है, इस दोनों सेटिंग्स को आपको अलाउ करके रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे वाले जो सेटिंग्स है, अगर आपके पास इस नीचे वाले जो सेटिंग्स है यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिश टू सब्सक्राइब सब्सक्रिप्शन फीड एंड नोटिफाई सब्सक्राइबर्स, तो यहाँ पर इसको अगर अनचेक किया हुआ रहता है तो आपको इसे चेक कर देना है। क्योंकि जब आप इसको चेक करेंगे, इसके बाद जब अपनी वीडियो को आप अपलोड करके पब्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि पब्लिक टू सब्सक्रिप्शन फीड एंड नोटिफाई सब्सक्राइबर्स, यानी आपकी जो वीडियो है जब आप पब्लिश करेंगे तो सब्सक्रिप्शन फीड में भी जाएगा और नोटिफिकेशन भी जाएगा सब्सक्राइबर्स के पास। तो आपको ये दो सेटिंग्स को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद अपनी वीडियो को यहाँ पर नेक्स्ट करके अपलोड कर लेना है। तो नेक्स्ट करते जाना है, फिर इसे अनलिस्टेड करके सेव कर लेना है। जैसे सेव करेंगे आपकी वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी, अपलोड कंप्लीट हो जाएगी। तो अपलोड कंप्लीट होने के बाद जब आप वीडियो को पब्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो चला जाएगा। तो दोस्तों, ये था वो सेटिंग्स जिसे आपको अपनी वीडियो अपलोड के दौरान करना था। अगर आप उस सेटिंग्स को ऑन करके रखते हैं फिर आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो YouTube आपके सब्सक्राइबर्स के सब्सक्रिप्शन फीड में भी भेजेगा और आपके सब्सक्राइबर्स के पास भी नोटिफिकेशन भेजेगा। सो दोस्तों, ये था कुछ बेसिक सेटिंग जो आपको इस वीडियो में बताना था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।